वीडियो के अगले पड़ाव में हम आ गए हैं। तो एक और स्टॉल जो लगा हुआ है ये MSD कंपनी है, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा जगवंत। जगवंत जी। जी सर, बताएं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, पहले सर कंपनी के बारे में बताएं। हमारी कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, MSD। ठीक है। जो है मर्कशॉप एंड डोम, ये ग्लोबली कंपनी है, अमेरिका की बिस्किट है। ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में काम इसका चल रहा है प्रॉपर। ठीक है। ये हमारा सबसे पहला डिवर्मर है फर्मेंडाजोल का, पैनाक्योर। ठीक है। ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है खासियत, ये गबन एनिमल को भी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ज्यादातर फार्मर को ये दिक्कत रहती है भी, ये कोई गोली ऐसी दो जो प्रेग्नेंट एनिमल को ना दे सकते। ये क्या अगर एक दो दिन का भी प्रेग्नेंट कराई हुई है तो उसको भी दे सकते हैं? आज आपने आज ये करवाई है या कल एनिमल ने पार्चुएशन करना है, ये किसी भी टर्म कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। अच्छा। पर अगर जब हमने AI की हो तो थोड़ा एनिमल को स्ट्रेस रहता है, उस टाइम ना दे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब दो चार दिन दस दिन के बाद गोली देने की वजह से उसको नहीं होगा, वैसे ही उसका एनवायरमेंट चेंज रहता है। ठीक है। ठीक है। मतलब 5-10 दिन के बाद हम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी के कभी भी दे सकते हैं, लास्ट मंथ तक। ये ठीक है। ठीक है। उसूलन क्या होता है कि साल में 4 बार डिवर्मिंग करवानी है, 3 महीने बाद, हर 3 महीने इनका सर्कल तोड़ना होता है वो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं साथियों, ये पैनाक्योर, फेनबेंडाजोल जो आता है सबसे सेफेस्ट और फर्स्ट डिवर्मर है। ठीक है। ये प्रेगनेंसी सेफ है 3 ग्राम में, 1.5 ग्राम में और 150 mg में है। ठीक है। ठीक है। छोटे बच्चे के लिए 150 mg, छोटे बच्चे बड़े के लिए 1.5 ग्राम, एक गोली, 2 महीने के लिए 2, 3 महीने के लिए 4 और मतलब 4 महीने के लिए 4। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हर मंथ के लिए एक गोली देनी है उसको? जी जी। छोटे बच्चे को? छोटे बच्चे को अगर 1 महीने का काफ है तो उसको एक गोली देंगे। हाँ। 2 महीने का है 2। हाँ, ठीक, पहले 6 महीने इससे होगा। हाँ। जब 6 महीने का हो जाता है फिर 1.5 ग्राम की गोली उसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो 3 ग्राम का बोला जो बड़े जानवर के लिए। ठीक है। इसके अलावा सर? इसके अलावा सर हमारा सबसे जो यहाँ पे जो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये ट्रांसमिक्स है। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि J&K में मैक्सिमम जो एनिमल है वो खरीदे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है कि पंजाब से लाए जाते हैं। जी हाँ। तो क्या होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो लखनपुर बैरियर है वहाँ पर प्रेग्नेंट एनिमल ही आते हैं। जी जी। काविंग वहाँ पे होती है तो जब काविंग के दौरान एनिमल में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है। जी जी। तो ये सोने से पहले 1 बोतल, आफ्टर काविंग 1 बोतल और 48 से 72 घंटे बाद 1 बोतल हम इसे दे सकते हैं। 3 बोतल्स देनी, 3 बोतल्स देनी है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, जैसे हमने पंजाब में मिल्किंग कराई 25 लीटर की गाय है, जब हम श्रीनगर आगे कराते हैं तो वो 20 लीटर की 18 लीटर की होती है। ये इस स्ट्रेस को भी दूर करती है। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेस दूर करने के लिए प्लस कैल्शियम पूरा करने के लिए। ठीक है। और 1 बोतल आज, 1 बोतल नेक्स्ट डे दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा सर एक हमारा ये स्पेशल प्रोडक्ट है बायोप्लेक्स बोलस। बायोप्लेक्स बोलस। ठीक है। इसका क्या है सर? ये मिनरल्स विटामिन्स की बोलस है, जैसे जो एनिमल हीट में नहीं आते, कंसीव नहीं करते या रिपीट होने की वजह से उनको दिक्कत रहती है। ठीक है। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है। इसका जो देने का तरीका है, ये 1 बोलस डेली देनी है कम से कम 21 दिनों के लिए। 21 दिन के लिए 1 बोलस? हाँ। 3 मतलब 1 पत्ते में 7 गोलियां हैं और 7×21 तीन पत्ते इसके लगेंगे। 3 पत्ते लगेंगे। 1 पत्ते की कॉस्ट क्या रहेगी? 1 पत्ते की कॉस्ट 130 रुपए के लमसम है। 130 रुपए की 1 पत्ते की कॉस्ट और 3 पत्ते आपने एक जानवर को देने कम से कम से कम 21 दिन जो है वो। इसमें 7 मिनरल चिलिशन में है। ठीक है। ठीक है कि नहीं। माइक्रो मिनरल्स जो एनिमल को हीट में लाने के लिए, कंसीव कराने के लिए और बच्चियों में हार्मोन्स को रिलीज करने में काफी हेल्प करती है। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा हम आप कैल्शियम भी देख रहे हैं। हाँ ये सर, ये एक एकलौती कैल्शियम है कि इसमें आप देखिए कि 1, 2, 3, 4 चिलेशन में दिए हुए हैं। ठीक है कि नहीं। 4 मिनरल चिलेशन में है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और क्रोमियम। जी। साथ में बायोटिन दिया हुआ है। जी, जी। जिसको हम विटामिन एच बोलते हैं। अंडर डेवलपमेंट के लिए काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है। विटामिन बी जो है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम D3 है। ठीक है। और सर आप हमें थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बता दीजिए चिलेटेड और नॉन चिलेटेड में क्या डिफरेंस है? चिलेटेड में और नॉन चिलेटेड में डिफरेंट ये है कि उसमें डोज रेट का फर्क पड़ जाता है। अच्छा। जैसे नॉर्मल कैल्शियम जब हम देते हैं तो वो हमको 100 ml देनी पड़ती है। ठीक है। चिलेशन में क्या है कि वो 50 ml देनी पड़ती है। अच्छा। और जैसे एनिमल के बॉडी रूमेन में 4 होते हैं, रूमेन, अपना रेटिकुलम, ओमेजम और ओबेमेजम। तो जो नॉन चिलेटेड आइटम्स होती हैं वो रूमेन में ही रह जाती हैं। अच्छा। चिलेशन जो है वो बाईपास होकर सीधा एबोमेजम तक पहुंचती है। ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट जो है। ठीक है। एक तो डोज कम हो जाती है चिलेशन में, अगर आप चिलेटेड देते हैं कोई भी प्रोडक्ट मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और डाइजेशन बहुत जल्दी करती है वो, डायरेक्टली वो है वो बाईपास होकर जो लास्ट रूमन में पहुंच जाती है। एक सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम
J&K में है वो हमने देखी है कि लास्ट 3 मंथ्स में जो काविंग का पीरियड होता है एनिमल को यहाँ ड्राई नहीं करते जिसकी वजह से एनिमल का दूध भी कम रहता है और उसकी प्रोडक्शन भी कम रहती है। बिल्कुल, तो उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है ये कैप्राविन का है, इसको हम वैसे जानते हैं ये है प्रोडक्ट, ठीक है, कैप्राविन, ठीक है, ड्राई काउ थेरेपी है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी MSD की ही आती है, ठीक है, ठीक नहीं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है, जब किसी एनिमल को काविंग में 70 दिन रह जाएं, जी 70 दिन पे उसकी फीड कम कर देनी है, ठीक है, ठीक है, बंद कर देनी है जी, और पानी कम कर देना है, ठीक है, जो नॉर्मल हम तूड़ी पट्ठा दे रहे हैं वही देना है जी, 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 जब एनिमल को सोने में 60 दिन रह जाएं, जी, चाहे उसके नीचे दूध 5 लीटर है चाहे 15 लीटर है, ठीक है, उस दिन उसका सारा दूध खाली कर देना है चारों थनों का, ठीक है, और एक एक थन में कैप्राविन की ट्यूब जो है वो भर देनी है। अच्छा, जब हमने कैप्राविन की ट्यूब भर दी तो उसके बाद हमें उसकी मिल्किंग की जरूरत नहीं है, मिल्किंग नहीं करनी। अच्छा अच्छा, एक दो दिन अडर में मिल्क आएगा, थोड़ी लाली लगेगी, अच्छा, भारी भारी लगेंगे, पर दूध निकालना नहीं है और ना ही कोई एंटीबायोटिक देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3-4 दिनों बाद आप देखते हैं एनिमल ड्राई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसकी जो फीड आप दे रहे हैं उसकी फीड प्रॉपर दें ताकि उसके बच्चे की ग्रोथ जो है वो ना रुके। मतलब ये अगर हम चढ़ाते हैं जैसे आपने कहा थोड़ी सूजन आ जाएगी, उसमें मैस्टाइटिस होने का खतरा तो नहीं रहता? ये 60 डेज प्रोडक्शन अगेंस्ट मैस्टाइटिस है, लिखी हुई ब्रांडेड, ये हमारा ही इकलौता प्रोडक्ट है जो ग्लोबली आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट तो नहीं आपके पास अभी? उस हमारे पास तो काफी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हार्मोन्स की जो रेंज है वो हमारा ही रिसर्च मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, टिक्स के लिए जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है हमारा टैक्टिक है, देखिए हमने स्टैंडिंग में भी लगाया हुआ है, एमिट्रास का है ये प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, टैक्टिक जी, ये 15 लीटर में 15 ml 50 ml और 250 ml में अवेलेबल है, ठीक है, 6 ml में भी अवेलेबल है, ठीक, 1 लीटर पानी में 2 ml इसका घोल बनाना है, ठीक है, शाम के टाइम को एनिमल को नहला के उसकी बॉडी पे मल देना है, ठीक है, सुबह तक उसकी बॉडी के ऊपर एक भी टिक नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर आपके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जम्मू में कितनी है? हमारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जम्मू में ईच एंड एवरी स्टोर पे है, आप जिसको भी बुलाएंगे ना MSD का ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो सेम डे आपको मंगा के देगा, ठीक है, जितने भी होलसेलर हैं या रिटेल अच्छे काउंटर हैं वेटनरी के, उनके सबके पास हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ भी और कश्मीर में भी, ठीक है। अगर कोई हमारा फार्मर आपसे बात करना चाहता है तो उसके लिए आप अपना नंबर दे रहे हैं? मेरा नंबर नोट कीजिए 9878777160। उसके बाद अगर वैसे भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वेबसाइट है MSD एनिमल हेल्थ, उस पे आप लॉग इन आउट कीजिए और क्लिक कीजिए तो सारी डिटेल्स वगैरह हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। थैंक यू सर। अगला स्टाल जो है वो शीतल फीड का है, तो इनसे बात करते हैं हम जी। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून जी, मेरा नाम मनमीत सिंह है जी, मैं शीतल फीड का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, शीतल हर्बल कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग खन्ना में है। अच्छा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो खन्ना में है, ठीक है, हमारी फीड हर्बल का नाम ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने काफी जड़ी बूटियां डाली हुई हैं हर्बल, इसीलिए इसका नाम शीतल हर्बल फीड है, ठीक है। और ये आपको ये बताएं कि हम चाहते हैं कि लोगों के पशुओं को जो आजकल की दवाइयां या जो टॉक्सिन वगैरह जिस वजह से पशुओं का जो बीमारियां जैसे चली थी, जो पशुओं को इतनी वो आई थी, ये हर्बल एक ठंडा जो रख सके पशु को अंदर से भी, गर्मी ज्यादा ना हो जी, जी, इसलिए हमारी फीड में आपको वो चीजें मिलेंगी शीतल हर्बल फीड में। और ये सारी स्टीम रोस्टेड है, ठीक है, स्टीम रोस्टेड का सर क्या मतलब? क्या मतलब ये हुआ कि एक जैसे कि आप एक कच्ची चीज कच्चे चावल लगा लो जी, जी, जैसे मैं आपको समझाने पे आऊँ तो एक कच्चे चावल जिसको आप भिगोते हो जी, जी, उसके बाद ऐसे ही ये फीड है, इसके अंदर सारा रॉ मटेरियल हमारी जो हमारा जो प्लांट है वो पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है जिसके अंदर जो फीड है वो पहले सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, उसका मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनने के बाद उसे स्टीम रोस्ट किया जाता है, फिर उसको स्टीम किया जाता है, ठीक है, ठीक है, भाप से पकाया भी जाता है और आग से पकाया भी जाता है और भाप से फिर दोबारा इसको स्टीम किया जाता है कि पशु खाने में इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और एकदम पका हुआ वो खाए। तो इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया? नहीं नहीं, इसके नहीं, हर्बल जड़ी बूटियों का किया जाता है। और दूसरा इसमें हम ये बताएं कि एक अच्छी हाई लेवल दवाइयों का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, दवाइयां मीन्स सारी हर्बल, हाँ जी, हर्बल रिलेटेड है। और शीतल फीड को हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लैब का जो हमारी लैब है उसका सर्टिफिकेट भी दी, सर्टिफाइड लैब का भी हमें जो है वो अवार्ड मिला है, ठीक है, ठीक, उसके बारे में हमारे यहाँ इस पूरे उस पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये उस पर लगा हुआ है। एक बार मैं इसको कवर कर लूं, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाइड किया, ठीक है,
और मैं अपने जम्मू के लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ जी कि प्लीज अपने पशुओं का ध्यान रखें, जो बेजुबान जानवर हैं ये बेचारे बोल नहीं सकते, और प्लीज खाली दूध पे ही जोर ना रखें कि इनकी हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान रखें। और जैसे ये पशु की जो लिम्पी डिसीजेस की जैसे बीमारी आई थी, ये दोबारा ना आ पाए और इतना हाहाकार हमारी इस धरती माता के ऊपर दोबारा ना हो कि जिस वजह से हमें भी दुख होता है देखते हुए, और जब कोई जानवर तड़प तड़प के मरता है। तो मेरी लोगों से यही विनती है कि पशुओं को एकदम अच्छा चारा खिलाएं, बेशक आप जो भी खिलाएं लेकिन अच्छा खिलाएं, और हम चाहेंगे कि आप शीतल के साथ जुड़ें। आप हमें बताएं कि जम्मू में कितनी अवेलेबिलिटी है, जहाँ को जम्मू में अगर लेना चाहता है शीतल से तो कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है? देखिए, जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ी ब्राह्मणा हाँ अशोक ट्रेडर के नाम से वो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे जम्मू में, ठीक है। ऐसे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अखनूर एरिया में भी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे उधमपुर में भी हैं, ऐसे हमारे कटरा और रियासी में भी हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि अब हम पनाड़ा माने जो मानसर के आगे बलोर वाला एरिया पड़ता है वहां पे भी हैं, और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के आगे हमारे सब डीलर्स भी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, हाँ उनसे ले सकते हैं। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर हमारा है, एक सेकंड में बता दो, 7087830155। ठीक है, तो साथियों जिस किसी को भी ये फीड के बारे में जानकारी लेनी है बस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको आपका नंबर ऑलरेडी हमारे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मैं यही जम्मू के लोगों से मेरी निवेदन है कि पशुओं को प्लीज एक अच्छी फीड डालें, मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू सर, जय माता। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉल है वो है शुगर बीट पल्प। ये क्या है, ये हम जम्मू वालों के लिए तो नई चीज़ है, पूछते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सिकंदरजीत सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब कौन सी जगह से सर? तरन तारण से। हाँ जी, ये बताएं क्या कौन सा प्रोडक्ट लेके आए? ये हमारा आता है शुगर बीट पल्प आता है, साइल जाता है। अच्छा, बीट रूट का। ठीक, इससे रस निकाल लिया जाता है, इसका जो इसका बाय प्रोडक्ट बचता है उसको साइलेज के तौर पे यूज किया जाता है एनिमल को। ठीक है, जी बताएं। इसकी जो पैकिंग है, जो 12 क्विंटल की पैकिंग आती है, एक बंडल होता है जो 12 क्विंटल का होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर है या जैसे 5-10 से 15 एनिमल है वो इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर छोटे, इतनी बड़ी पैकिंग क्या बनाने का कारण है, क्योंकि छोटे फार्मर तो इसको फिर कैसे यूज करेंगे? इतनी बड़ी पैकिंग का इसका ऐसे है, जैसे मतलब इसको छोटी पैकिंग करेंगे ना वो बिल्कुल एयर टाइट नहीं होता। अच्छा, इसका बड़ी पैकिंग बनाने का यही रीजन है कि इससे साथ बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। जो साइलेज है वो एक एक क्विंटल के जो उसको पैक बन जाता है। हाँ, इसका जो हम एक क्विंटल का बनाएंगे तो वो इतना रह जाएगा, मतलब प्रेसिंग ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसको प्रेस ज्यादा करना पड़ता है। प्रेसिंग ज्यादा। ये साइलेज से कैसे डिफरेंट है, मतलब उससे क्या फर्क है या क्या कुछ ज्यादा इसमें? इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना जी, मतलब साइलेज से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जैसे इस बाकी सारा कुछ इसी में वही आ जाता है, इसमें क्या होता है जैसे प्रोटीन उससे ज्यादा आ जाता है। अच्छा, फाइबर, टोटली डाइजेस्ट फाइबर है। हाँ, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, ये एनिमल जैसे उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है, बॉडी स्कोर उसका अप करता है। ठीक है। तो इससे दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है, और फैट परसेंट भी बढ़ता है। फैट जो वो सेम रहती है, जो SNF है वो बढ़ती है इससे। अच्छा, फैट नहीं बढ़ता है, SNF बढ़ता है। SNF बढ़ता है, फैट है जो वो सेम ही रहेगा। तो जम्मू में अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी? जम्मू को यहाँ डायरेक्ट डेयरी फार्म को सप्लाई दी जाती है, जितने भी यहाँ डेयरी फार्म है। आप दे रहे हैं किसी को? हाँ, आ रही है इधर, जैसे पंजाब सिंह डेयरी फार्म है, हाँ, कुलभूषण कृष्णा डेयरी फार्म है, कैप्टन डेयरी फार्म है, अच्छा, सफी डेयरी फार्म है, ठीक है। इन तकरीबन ही बड़े बड़े डेयरी फार्म पर सप्लाई आ रही है हमारी। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये इसका सैंपल के तौर पर थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके का इसका प्रोडक्ट रहता है। बीट रूट को जो उसमें से चीनी वगैरह निकाल दी जाती है, जो बीट रूट होता है ना, ये 2 kg का एक पीस होता है। ये जो बच जाता है, क्रश करके इससे जूस निकाल लिया जाता है। ठीक है, जो उसका गुद्दा बच जाता है उसको पैक कर लिया जाता है। ठीक है। सर अगर कोई किसान आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो अपना नंबर? हाँ जी, मेरा नंबर है 9781818211। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, वेलकम।
अभी हम जिस स्टॉल पे आए हैं वेंसन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, देखते हैं इनके पास क्या कुछ है। तो तुम्हें गल करनी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम साहिल मेहता है जी। हमारी अपनी एजेंसी है मेहता हेल्थ केयर बायोफार्मा के नाम से। ठीक है। हमारा बिजनेस जो है वो रिगार्डिंग डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में होता है जी। जिसके बीच में हमारे पास मिल्किंग मशीन आती है, फीड आ जाती है, उसके बाद में काऊ मैट्स मिल सकते हैं, न्यूट्री मिल पैन इंडिया नंबर वन साइलेज की डिस्ट्रीब्यूशन शिप हमारे पास है। ठीक है। अगर हम बात करें कि मशीन्स के बारे में, तो हमारी मशीन्स पहले आती है पोंटो, ये आधी हॉर्स पावर की मशीन है। अच्छा। इसके साथ हम वन एक टाइम के ऊपर एक पशु की मिल्किंग आराम से कर सकते हैं, एक मिनट। और ये वैलिड रहती है हमारी 10 से लेकर 12 पशु के बीच तक। ठीक है। जिसके बीच में ये इनका कंटेनर होता है 28 लीटर तक का कंटेनर होता है। ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको 25 के बीच में करते हैं। ठीक है। मैसेटिक इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड होगा, जिसके बीच में आपका ये काम होता है कि अगर किसी पशु को मैसेटिक की प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ से हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये ओपन नहीं होता है, इसमें शेल आ जाते हैं उसके। अच्छा। कि अगर पशु के दूध के बीच में शेल आ रहे हैं तो यहाँ पे वो अटक जाएंगे, यहाँ पे अटक, फिर आपको पता चल सकता है हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हर पाइप में होता है या एक सिंगल पाइप? सब पाइप पे, सिर्फ मिल्किंग पाइप, मिल्किंग पाइप। हम ये सिर्फ मिल्किंग की पाइप में आपको अवेलेबल रहे। अच्छा, जो मतलब लास्ट में पाइप आएगी? हाँ, जो लास्ट में पाइप यहाँ से दूध इनलेट। हाँ, ठीक है, ठीक है जी जी। ये जितनी भी पाइप है सारी फूड ग्रेड है सर। ठीक है, सारी फूड ग्रेड है। ये जो लाइनर है जी, ये जो एनिमल के टीथ के ऊपर लगते हैं, हाँ जी, तो टीथ इसके अंदर जाता है जी। ये सॉफ्ट रबड़ हाई क्वालिटी फूड ग्रेड में बना हुआ है, पेटेंट है ये वेंसन के नाम से सर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये मोनोब्लॉक मशीन है, सर्विस फ्री मशीन है ये। अच्छा। इसमें कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ सर्विस की कोई जरूरत नहीं पड़ती सर, सर्विस की बिल्कुल भी नहीं। इसको धोना तो पड़ता होगा ना, जब दूध निकालने के बाद वॉशिंग तो करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें ये बकेट क्लीन होगा सर आपका। अच्छा, अच्छा, आपने एक बकेट में वाटर लिया, गर्म पानी लेना है। अच्छा। उसमें आपने ये डाल दिया। ठीक है। 30 सेकंड में आपकी ये पूरी बकेट क्लीन हो जाएगी सर। अच्छा अच्छा, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी साफ करने। ठीक है, ठीक है। कितने हॉर्स पावर की मोटर कही आपने? ये 0.75 एचपी में है सर। 0.75। और इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? इसकी जो कॉस्ट रहेगी सर, वो 47,000 है सर। सिंगल बकेट है, सिंगल बकेट सर। एक जानवर को एक टाइम पे एक जानवर का दूध निकाल सकते हैं। पास 1 HP की मशीन आती है। अच्छा। इसकी जो मोटर है 1 HP की है। ठीक है। पर टाइम के बीच में आप 2 पशु की मिल्किंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? इसकी कॉस्टिंग रहेगी 61,000 के करीब, सिंगल बकेट के साथ। अच्छा, सिंगल बकेट है, दो जानवरों की एक साथ जो दुहाई कर सकते हैं। अगर 2 बकेट लेंगे तो वो 82-83 के करीब। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा? उसके अलावा हमारे पास डेयरी फैंस आते हैं। फैन आता है हमारे पास, स्मॉल छोटा मॉडल है सबसे। ठीक है। ये आपको प्रॉपरली जो कि डिस्टेंस में देगा 25 से 30 मीटर की फुट की रेंज के बीच में ये हवा छोड़ता है। 25 से 30 फुट की जो है वो कवर कर लेता है, इतना एरिया कवर कर लेता है, इतना एरिया कवर कर लेता है। इससे ऊपर का मॉडल हमारे पास एक और आता है। ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेटली 42,000 के करीब आता है। ये 20,000 के करीब, ये 20,000 का, वो 42,000 के, वो लगभग आग में लगा लेगी 50 से 60 फुट तक की हवा दे सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और? उसके बाद में ये कार फीडिंग बॉटल्स आती है हमारे पास, फूड इंग्रीडियंट्स का इसका मतलब कि निपल होता है, जिससे पशु को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये क्या चीज़ है? उसके बाद में ये आता है, लीकर बोलते हैं हम इसको। ये क्या होता है कि जैसे हम पशु क्या होता है कि कुछ पशु अच्छी तरह से खाता नहीं है जी। ठीक है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा उसको मतलब कि प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ। ये है वेंसन का लीकर। अच्छा। ये 2 किलो का होता है। इसके बीच में क्या होता है कि मल्टी विटामिन इंक्लूड सब कुछ होता है। अच्छा। ये नॉर्मली टाई अप होता है एक रोप के साथ। अच्छा। तो जब पशु इसको लीक करता है अपने टैंक के साथ, तो वो जितना भी मटेरियल होता है वो सारा उसका डाइजेशन अंदर होता है। अच्छा, अच्छा, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो कभी भी वो स्ट्रेस में नहीं रहता है। दूसरी बात रहता है कि अच्छी तरीके से खाना वगैरह जो भी उसकी डाइट होती है वो प्रॉपरली खाता है। ये हार्ड मिनरल मिक्सचर। क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? ये 300 के पीस पड़ेगा। 300 का 2 kg है? हाँ, 2 kg है। ठीक है। ये भी वेंसन कंपनी का? ये भी वेंसन का। उसके बाद में यह था वेन्यू गार्ड। ये हमारे डेयरी फार्म्स के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग के टाइम में क्या होता है, जो टीट का पोर होता है वो ओपन रह जाता है जी, जी। जिसकी वजह से पशु क्या होता है, कभी नीचे बैठ भी जाता है, खड़ा भी होता है, तो क्या होता है बैक्टीरिया उसके टीट से अंदर चला जाता है। बिल्कुल। ये उसको एक किस्म से लैमिनेट कर देगा प्रॉपरली। ठीक है। जिसके साथ में हम यूज कर सकते हैं डिप कप।
ये होता है डिप कप जी, जी हमें डिप कप के बीच में ये सोल्यूशन डालना है, ठीक है। मिल्किंग करने के बाद हम जब डिप कप को प्रेस करेंगे ये सारा सोल्यूशन इधर आ जाएगा जी। तो आपको जस्ट नॉर्मली थन लगा के साथ टच करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक तो उसका जो टीट होगा वो प्रॉपरली पूरी तरह से लैमिनेट हो जाएगा जी, बैक्टीरिया जाने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे आपके पल्ले के बीच में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होती है उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास जी जी। उसके बाद में हमारे पास एसेंसरीज वगैरह आती हैं, ये आ गई एसेंसरीज आ गई, ठीक है। ये सारी एसेंसरीज हैं, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सर हमारे पास फीड वगैरह आती है, साइलेज वगैरह आते हैं। अच्छा। ये मेरी एजेंसी का कार्ड है, आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि बंतला वाली साइड पे पड़ता है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, साहिल मेहता, राहिल मेहता, और हम प्रोडक्शन के बीच में आपको ये मिलेगा मेहता ट्रेडर्स के नाम से, जिसमें हम प्रॉपरली जो डील्स करते हैं ए टू जेड डेयरी प्रोडक्ट्स के बीच में, जिसमें हमारे पास मिल्किंग मशीन, काऊ मैट्स, डेयरी एसेंसरीज, साइलेज, कैटलॉग, कैटल फीड और मैनी मोर प्रोडक्ट्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो साथियों जिसको भी कंटेक्ट करना हो, कोई मशीन या मशीनरी कुछ भी चाहिए होगा, एनी टाइम ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये ऑनलाइन भी जो आपको सामान भेज सकते हैं। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। स्टॉल पे हम आए हैं, ये कैमिन करके है कोई कंपनी, तो देखते हैं इनसे बात करके क्या है इनके पास। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है जी। सर मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है जी। बताएं सर, हम लोग कैमिन इंडस्ट्रीज की तरफ से हैं, ठीक है। इट इज एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, ओके, एंड वर्किंग सिंस 1961, ठीक है। इंडिया में इनको मोर देन 25 इयर्स हो गए ऑपरेशनल, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ आए हैं कुछ जी। सर सबसे पहले तो हम जो जेके डीएफए उसको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें स्टॉल प्रेजेंट करने की जी। और अभी हमारे पास जैसे हम एनिमल जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद अ कंप्लीट फीड, वी आर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ सप्लीमेंट्स ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कैम ट्रेस के पूरे मतलब मिनरल्स की हमारे पास रेंज है, पूरी कंप्लीट मिनरल मिक्सचर है, ट्रेस मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल विटामिन है, प्रीमिक्सेस हैं, इसके अलावा हमारे पास एंजाइम की रेंज है, ईस्ट की मतलब वैरायटीज हैं, और टॉक्सिन बाइंडर्स की अलग अलग रेंज है। फिर हमारे अगर अलग से प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास क्रोमलेक्ट है, इट इज एन काइंड ऑफ स्ट्रेस प्रोडक्ट। बताएं अपने ये, जैसे हमारे सबसे पहले हम रेप्रोमिन की बात करते हैं, ठीक है। ये रेप्रोमिन है, जैसे जो हमारे पास जो साइलेंट हीट आती है, जो एनेस्ट्रेस है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है जी, जी जी, उसको डील करने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमने प्रोडक्शन तो ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में हमें इशू आ रहा है, एनिमल रिपीट कर रहा है जी, जी, जी। और अगर एनिमल कंसीव नहीं करेगा तो अगले सीजन में मिल्क कहां से आएगा, उसकी कॉस्ट ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव फॉर्मूला मेनली इट इज नॉट मतलब कंसिडर्ड एज अ मिनरल मिक्सचर, एक सेपरेट एंटिटी है बिल्कुल, अच्छा, टू कंसीव द एनिमल, ठीक है ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड है स्पेशली जी, विटामिन्स मिनरल्स हैं एंड ई ट्रेस मिनरल्स हैं, ठीक है। ट्रेस मिनरल्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये इसकी डोज है 50 ग्राम पर एनिमल पर एनिमल, ठीक है। कंसेप्शन के बाद इसको एंड अप कर देना, उसके बाद इसको यूज नहीं करना, अच्छा। नॉर्मल आप मिनरल मिक्सचर यूज कर सकते हैं। कब स्टार्ट करना और कितने दिन देना है ये भी बता रहे हैं हमें जरा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिप्रोडक्शन के लिए है मेनली, तो हम क्या करते हैं जब एनिमल का कंसेप्ट मतलब पार्चुरेशन हो जाता है जी, उसके एक महीने बाद हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कितनी देर तक देना है ये जब तक कंसीव एनिमल ना हो, जैसे आपने एआई कराई उसके आफ्टर 21 डेज तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और या फिर जब तक हमें पता ना चले कि एनिमल कंसीव कर गया है उसके बाद हम इसको रोक सकते हैं, फिर हम नॉर्मल कोई भी कंप्लीट मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है सर। फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पे सैंपल अवेलेबल है, ये हमारे पास क्रोमलेक्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीवर, क्रोमलेक्ट इट इज अ सोर्स ऑफ लिक्विड क्रोमियम, ठीक है ना, अलोंग विद द कैल्शियम। होता क्या है जैसे एनिमल कई बार क्या होता है, हम बाहर से एनिमल परचेज करके लाते हैं, बहुत हाइल्डर होते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका प्रोडक्शन वो नहीं रहता जो उनके सोर्स पे था जी, जी, है ना। उसके बहुत सारे फैक्टर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, या मैनेजमेंटल डिफरेंसेस हैं, या आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो तो कोर्टिसोल लेवल पे जाके कोर्टिसोल हार्मोन को सेक्रेशन कम करता है और उसको स्ट्रेस से बचाता है, और जब एनिमल स्ट्रेस कम होगा तो उसका मिल्क प्रोडक्शन अपने आप ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। तो ये प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा हमारे पास प्रीमिक्सेस हैं, अच्छा। और जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग हमारे पास प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स हैं, जैसे मल्टीपल लाइसेज हम जो हाइल्डर्स के लिए हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द मिल्क प्रोटीन फैट एंड एसिड, ठीक है। सर आप बताएं कि जम्मू में अवेलेबिलिटी किस तरह से हो सकती है, क्योंकि बाहर हम जम्मू से बाहर जब जाते हैं पंजाब में या कहीं और, तो वहाँ पे तो इजिली अवेलेबल हो जाती है, हर चीज मिल जाती है, लेकिन जम्मू में अभी ये चीज नहीं है। तो एक्चुअली क्या है ना सर, जम्मू में भी है हमारे अर्थाइट डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सियाज इंटरप्राइजेस, कहाँ पे है ये सर? सुभाष नगर में है, सुभाष नगर में, ठीक है।
वहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हाँ, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हमारे पूरे जेएनके के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। हाँ, आप एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर। अभिषेक मिश्रा है जी, और हमारा नंबर है 790। सामने कर दें जी। ठीक है, ये साथियों इनका नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं इनसे। कोई डेयरी फार्मर से कोई जानकारी हो, नया डेयरी फार्म खोलना है या अपग्रेड करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा साइलेज के बारे में, अगर साइलेज कोई बनाना चाहता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ उस पर काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।